अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मालिक का बड़ा ही करम होगा आप सब पर। व्यूअर्स, आज बैठे बैठे अभी रात के 9:30 हो चुके हैं और अभी मेरे कोलीग हैं ये अभी काम में मसरूफ़ हैं। आपको दिखाते हैं ये अभी क्या काम करते हैं। मैंने इन पे पहले भी एक व्लॉग बनाया था जब इन पर जंगली सूअर ने अटैक कर दिया था और इनको काफ़ी ज़ख्मी कर दिया था। ये वही हैं, आप में से ज़्यादा लोग शायद इनको जानते हों जिन जिन लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा। तो आइए आपसे मिलाते हैं ताज मोहम्मद साहब से। ताज मोहम्मद साहब का ताल्लुक बटग्राम से है और ये अभी रात के 9:30 क्या काम करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये हैं जी ताज मोहम्मद साहब, जो हमारे यहाँ पर कुकिंग का काम करते हैं। और सर्दियाँ आ गई हैं, अभी 10वें महीने की आज 21 तारीख हो गई है और 11वां महीना आने वाला है। और 11वें महीने में खासी शदीद जो है वो सर्दी होती है। बड़ी सर्दी ये अपनी रज़ाई का बंदोबस्त कर रहे हैं सोने के लिए। ये देखें कमरे में हैं और ये अभी रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं और इनका ये कहना है कि मैं आज अपनी रज़ाई क्लियर करके ही सोऊंगा। आप इसी रज़ाई में सोएंगे जी? इसी हृदय में इसी में अगर ये ना हो और आपको मिल जाए तो इसको छोड़ दें, कल दिन को ये काम नहीं करना। नहीं नहीं अपनी रजाई अपनी में सोएंगे? अपनी में अपनी मैं आपको दूसरी दूं तो उसमें नहीं सो सकते? नहीं 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 कभी भी अच्छा, तो ये टॉर्च बंद करके करें ना, क्योंकि रोशनी तो यहाँ पर है ना अच्छा ऑलरेडी पहले ये से। टॉर्च बंद हुई अच्छा, आपका जी। ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक जिला बटग्राम, डिस्ट्रिक्ट बटग्राम, जानते हो? बटग्राम, हाँ जहाँ पे वो लिफ्ट लिफ्ट फंस गई थी, वो चेयर लिफ्ट, चेयर लिफ्ट फंस गई हाँ थी, वो डोली सी लटक गई डोली थी। की, डोली मत कहो उसको। अच्छा, डोली नहीं कहूँ तो क्या कहूँ उसको, डोली बोलते हैं जिस जिसके नहीं आदमी नहीं वो जिसमें आदमी बैठ कर इधर से पहाड़ के दूसरी तरफ जाते हैं और उधर से नहीं इधर नहीं आते हैं। वो पता है जी वो कौन सा, जो कौन सा लोहे से वो चेयर लिफ्ट बना हुआ था, मुझे क्या कौन सा पता, डोली से बना हुआ था? मुझे क्या पता। मरियम नवाज की डोली से। अच्छा ये बताओ, अगर वो चेयर लिफ्ट वहां पे नहीं फंसता, वो हादसा नहीं होता, तो कोई बटग्राम को जानता था उससे पहले? क्यों नहीं यार, हैं? क्यों नहीं यार, नहीं, उसको उससे पहले तो नहीं जानते थे नहीं नहीं तो। बटग्राम को जानते थे, बटग्राम अच्छा, बड़ा जिला है यार, डिस्ट्रिक्ट कह रहे ये हैं। बताएं मुझे कि ये जो बटग्राम है जी ये बाबूसर टॉप जो रोड जाती है उस पर वाकया है, हाँ एबटाबाद नारायण का आगन से आगे जो हाँ जाती है हाँ वहाँ से कितना सफ़र है, किस जगह से बटग्राम को जाना पड़ता है, कौन से स्टॉप बटग्राम से? को मनसेरे से, मानसेरे से इलाके रोड जाती है। मनसेरे से 2 रोड है बस, अच्छा, आप कुगी से भी कितना, जा सकते हो, मनसेरे से जा सकते हो, शंगले से आ सकते हो, तुरगर से आ सकते हो, कोस्तान से आ सकते हो, धीर से आ सकते अच्छा हो। ये धीर बताएं, नहीं ये बताएं कि जो बटग्राम है जी, वो विजिटिंग पॉइंट है, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जन्नत का टोटा है, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर? बहुत सारे। चलो ये बात बताएं, आप ये बात बताएं कि बटग्राम में जी जो बाइक टूर होता है मोटरसाइकिल पर आदमी जा सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, कौन से मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं? हर मोटरसाइकिल पे जा सकते, 70 भी जा सकती है, 72 मॉडल भी जा सकता है। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है या कि नॉर्मल है? नहीं चढ़ाई गुजारा, चढ़ाई भी है और दूसरा रोड भी, 3-4 रोड है यार, जो मर्जी है चले जाओ। आप ये बताएंगे बटग्राम की हाइट क्या होगी सतह समंदर से, इस मामले में पता है आपको? ये मेरा ख्याल से 19,000 कुछ है। 19,000? हाँ यार 10,000 से ज़्यादा हो तो वहाँ पे दरख्त ही नहीं उगते हैं, तो आप 19,000 बता रहे हो अच्छा, तो फिर जी? 9,000 ही होगा, 7,000। सात 7,000? हम्म, ठीक है, वो मुझे देखें जी, पता 10,000 है। जब बुलंदी हो ना तो उसके जी बाद वहाँ पे दरख्त नहीं उगते क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है? वहाँ तो पे बाबू सब सर टॉप में नहीं है ना ऑक्सीजन की बाबू कमी, सर टाप में नहीं है दरख्त, क्या वजह है कि वो दस वो हज़ार फुट से ज़्यादा बुलंदी है? ऑक्सीजन नहीं है ना। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि जी आपकी यहाँ पे तनख्वाह कितनी है, मेरा तनख्वाह यहाँ पर यार तनख्वाह बहुत कम है यार, कितनी है 45,000। और कितनी चाहिए आपको कुकिंग के काम में? हैं, मेरा तनख्वाह यहाँ है 36,000। 36,000 है, कितनी हो जाए तो आप खुश हो जाएंगे? 55,000। 55,000, ठीक है। तो ये खुद क्यों काम करते हो, नई रजाई ले लो ना कौन सा बाजार से। यार, बंदे का 30,000, 36,000 तनख्वाह हो, ठीक अच्छा है, हाँ और उसमें जो है ना फिर समझो के ये खर्चे मर्चे करो तो फिर बचेगा क्या 36,000 में? आजकल तो नवाज शरीफ की दौर है,
जब ये गंजा शरीफ वजीर आजम बने ना, नहीं नहीं इतना ऐसा महंगाई ऐसा सह नहीं बोलते, लिया वो हमारे हुक्मरान है। यार। तो ठीक है, व्यूवर्स, हमारे हुक्मरान है तो काम सारे कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया ना, अच्छा तब अच्छा हुक्मरान इस तरह होता है। ठीक हुक्मरान तो वो होता है कि वो कारोबार अपने मुल्क को आगे ले जाए, ये तो पीछे लेके आता है। अच्छा हमें मुझे अब बताएं कि तुझे आप, पता है एयरपोर्ट भी भेज दिया, चलो ठीक है यार उसको छोड़ो, वो और बाद क्यों में, अलग मैं सियासी बात नहीं करना चाहता हूँ। आप ये मुझे सियासी बात करना चाहता अभी हूँ। ये मुझे बताएं कि अभी 9:30 हो गए हैं, आपने ये कब आपकी ये जाए ठीक होगी और फिर आप सोएंगे? बस ये इसके ऊपर आधे घंटा और लगेगा। अच्छा आधा घंटा और लगेगा फिर हाँ इस रजाई में आप सोएंगे। इसी रजाई में, इसी तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं कि ये ताज मोहम्मद साहब जो हैं इनकी तनख्वाह जो है वो 60,000 से ऊपर है, क्योंकि 60,000 किधर है? झूठ मत बोला था, मैं आपको बताता हूँ, झूठ है। मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जहाँ पे आप कुकिंग करते हैं वहाँ आपकी तनख्वाह 36,000 है या नहीं है, और जहाँ पे आप मुंशीगिरी करते हैं 2 घंटे के लिए वहाँ पे आपकी 10,000 से 15,000 तनख्वाह है या नहीं, उसको कोई पता नहीं कितनी है? पहले यार, मुझे उसने कोई बताया है, कोई उसके बारे में कुछ नहीं बताया। 15,000 थी ना जो आदमी आपसे पहले कर रहा था, हाँ उसकी 15,000 तो आपकी कितनी होगी फिर? यार, वो अपना भाई है, जो उनका मर्जी है, जितना देता है नोट वो। करें नोट करें, 36 और 15 कितने हो गए? नोट न करे आसमान करे, 36 और 15 कितने हो गए मैं आपसे पूछ रहा हूँ? 36-15 किधर है? हाँ 51,000 रुपया हो गया, 51 हो गया ना, और जो उसके अलावा आप जो खुश्क रोटी बेचते हैं, जो लोहे बेचते हैं, और नहीं जो जो आप कबाड़ बेचते हैं, कबाड़ वाला काम नहीं आप करता, मुझे बताएं उसके कितने पैसे बनते न हैं? उसके कभी अलावा, न उसके कबाड़ अलावा मैं है। आपको बताता हूँ, पिछले महीने मैंने इनका, मैंने खुद इनका जो काम लिखा है, जो काम दिया था यार वो अपना पसीना, साढ़े अपना साढ़े 7,000 एक था, 3,500 एक था ना, 3,500 था जी, एक 3,500 था, एक 6,500 था, ठीक है, उसके अलावा भी ये मुझसे और भी बहुत काम लेते हैं, तो आप अंदाजा करें कि इनकी जो है ना मैक्सिमम तनख्वाह 60,000 से ऊपर है, लेकिन ये अच्छे बंदे हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, अच्छे आदमी हैं, क्योंकि ये पुरानी रजाई के साथ ये जो है ना, पुरानी है, बिल्कुल नया रजाई है इसका, ये पॉलिश मैंने धोया है, अभी इसके दोबारा सिलाई करनी है, ये आप सुनो झूठ मत बोला आप था। देखें, अच्छा चलो जो भी बात है, बहरहाल पुरानी रजाई है और ये सर्दियां इसमें गुजारने के चक्कर में है कि मैं ये सर्दियां जो है इस रजाई में गुजारूं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले कि आपने रजाई भी दिखाओ कि वो किस भाई तरह है, मेरे हमको मेरे कमरे रूम में मेरी रजाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और मेरा माशाल्लाह डबल रजाई है, बड़ा अच्छा ये कौन सिस्टम सा है। सिंगल है, ये अच्छा जो डबल तो है? मैं आपको कहता हूँ ताज मोहम्मद साहब कि जी अगर आप रजाई अपने पैसों से नहीं ले सकते तो मैं आपको लेकर दूंगा, या मेरे व्यूवर्स आपके लिए नहीं, आपने लाएंगे, ही है ना, मेरे व्यूवर्स आपके लिए ले लेंगे, लेकिन आप मेहरबानी करें ये पुरानी रजाई को छोड़ें, और 60,000 से ऊपर आपकी तनख्वाह है, एक आदत 1,000 रुपये की या 1,200 1,500 की अच्छी रजाई मिलेगी, वो आप ले लें ताकि आप सर्दियां आराम से गुजार सकें। भाई ये मेरा अपनी रजाई है ना, तो व्यूवर्स आप कमेंट्स करके बताइए मत बताइए इसको। क्या इनको नई रजाई लेनी चाहिए या नहीं इसी के साथ इनको गुजारा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान, ये बटग्राम से आए हैं और यहाँ पर आकर 60,000 से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, एक छोटे से कुक है हमारे साथ, कोई पाकिस्तान एक ऐसे सरकारी महकमा प्लाट है नहीं है। ना, पाकिस्तान एक ऐसे प्लाट है ना कि इसमें हर कचरा पड़ा हुआ है, सभी गुजारा करते हैं। ये अच्छा नया है, ये बिल्कुल मैंने नया मेरे ख्याल में इनको लगाया। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल आपका क्या कहना है आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कमेंट मत इसी के करें, साथ हमें दे इजाज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।